बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। अब बच्चों जैसे कि आपने देखा था, हमने एक नए अध्याय के साथ, मैं आपके साथ हूं और वो अध्याय हमारा अभी काफ़ी समय से हमारे साथ है और हम मैंने उसमें आपको कई अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। बच्चों आज मैंने विद्युत रसायन के अंतर्गत जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बच्चों हम जल्दी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसको ध्यान दीजिए। बच्चों एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ और वो एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरह से है। बच्चों मैं क्या करता हूँ कि मैं SnCl2 को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब SnCl2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करेगा तो बच्चों ये बना लेगा SnCl4, ठीक है, और ये हाइड्रोजन को अपने में से क्या कर देगा, लिबरेट कर देगा, रिलीज कर देगा। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूँ, उस फंडामेंटल पर आप समझिएगा ताकि आप समझ पाएं कि ये रिएक्शन क्यों रेडॉक्स रिएक्शन है। बच्चों यहाँ पर जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 हो जाएगा। तो बच्चों इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति है। बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये क्या बना सकता है, ये ऋणात्मक आयन बना सकता है। बच्चों यानी एक इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्रहण करेगा तो ये ऋणात्मक आयन बना लेगा। मेरी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। बच्चों इसके आधार पर चूंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका जो नया विन्यास आप देखेंगे 2, 8 और 1 2, 8 और 8 हो जाएगा और जब क्लोरीन होगा तो उसके ऊपर एक ऋणात्मक आवेश जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो हम इस तरह से क्लोरीन पर एक ऋणात्मक आवेश अगर मान के चलें तो इस एक को 2 से आप गुणा कर दीजिए तो -2, तो 10 पर आपको +2 चार्ज मिलेंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बच्चों 1 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने और त्यागने दोनों की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। यह भी आप याद रखेंगे, क्लोरीन का -1 है तो यहां पर हाइड्रोजन का आपको +1 भी मिलेगा। फिर यहां पर क्लोरीन का -1 है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 पर +4 मिल जाएगा और जब हाइड्रोजन अपनी एटॉमिक स्टेट में होगा या मॉलिकुलर स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, ठीक। तो इक्वेशन देखकर आप मेरी बातों को समझिएगा क्योंकि अब सब कुछ पूरा रेडॉक्स अभिक्रिया जो वो इक्वेशन पे डिपेंड हो जाती है। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अब आप इस प्रोडक्ट को, इस कंपाउंड को देखिए SnCl2 को और फिर आप इस कंपाउंड को देखिए SnCl4 को। तो जब हम इस कंपाउंड में SnCl2 और SnCl4 को की तुलना करें, है ना, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो SnCl2 है वो SnCl4 में बदला, ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ पर टिन का जो ऑक्सीकरण अंक था वो +2 है जबकि यहाँ पर कितना हो गया +4। तो हम एक यौगिक की तुलना कर रहे हैं जिसमें जो यौगिक था वो SnCl2 से SnCl4 में जब बदला तो उसका ऑक्सीकरण अंक कितना हुआ, +2 से +4 हुआ, मतलब +2 बढ़ गया। तो बच्चों ऑक्सीकरण अंक बढ़ने के लिए इनके बीच में जो क्रिया हुई होती है ना, उस क्रिया को हम कहते हैं कि इनके बीच में कौन सी क्रिया हुई है, जी हाँ बिल्कुल, इनके बीच में ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है, यानी यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है। ये समझ में आया, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आगे मैं बोलने वाला हूं कि जब हम हाइड्रोजन की तुलना HCl वाले कंपाउंड में और यहां पर H2 की तुलना करें तो हम देख रहे हैं यहां पर ऑक्सीकरण अंक हाइड्रोजन का पहले कितना था +1 और यहां पर कितना है 0। तो बच्चों ऑक्सीकरण जो अंक है इस बार क्या हो गया, कम हो गया। तो बच्चों अभिक्रिया में जब ऑक्सीकरण अंक के मान में कमी होती है तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ये क्रिया कहलाती है अपचयन। हम इसको बोलते हैं कि यहां पर क्या हुआ है, अपचयन की अभिक्रिया घटित हुई है, ठीक है ना, यहां पर अपचयन की अभिक्रिया हुई है। बच्चों सिंपल सी बात यह है कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक परिघटना है। तो बच्चों जब किसी रासायनिक क्रिया में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक ही समय अंतराल पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, या हम ऐसा कह दें कि रासायनिक अभिक्रिया के एक ही रासायनिक अभिक्रिया के एक पद में ऑक्सीकरण भी होगा और उसी समय अंतराल पर उसके दूसरे पद में अपचयन भी होगा, तो जब दोनों क्रियाएं साथ होंगी ऑक्सीकरण और अपचयन, तो फिर ऐसी ये जो पूरी रासायनिक अभिक्रिया आप देख पा रहे हो ना, इस पूरी संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया को ही आप क्या कहते हो, इसको आप
बच्चों ध्यान दीजिएगा कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आया। मैं अब इसमें कुछ और भी चीजें आपके साथ मेंशन कर दे रहा हूं, उनको ध्यान से देखिए। बच्चों मैंने आपको रिडॉक्स अभिक्रिया से रिलेटेड एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल को दोबारा मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। रिडॉक्स अभिक्रिया बच्चों हमने एग्जांपल लिया था SnCl2 प्लस 2HCl, बच्चों हमने देखा कि ये कन्वर्ट हुआ था SnCl4 प्लस H2 में, ठीक है ना, इस तरह से इसका जीरो मिल रहा था, इसका माइनस वन, इसका प्लस फोर, इसका मिल रहा था माइनस वन, इसका प्लस वन, इसका माइनस वन और इसका प्लस टू, ठीक है, ये आपके सामने मेंशन हुआ। बच्चों आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि जब SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हुआ तो यहां पर क्रिया किसकी हुई, बिल्कुल सही, यहां पर क्रिया ऑक्सीकरण की हुई, ठीक है, यहां पर ऑक्सीकरण हुआ। जब यहां पर हमने देखा है ना हाइड्रोजन को, तो यहां पर जो क्रिया हुई वो अपचयन की हुई, ठीक, यहां पर अपचयन हुआ। तो बच्चों एक पद में ऑक्सीकरण, एक पद में अपचयन, बहुत अच्छे से याद रखिए, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जिस पदार्थ में होती है हम उसको कहते हैं अपचायक, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, अपचायक पदार्थ, हम इसको कहते हैं अपचायक पदार्थ बच्चों। जबकि जिस पदार्थ में अपचयन की क्रिया होती है हम उसको कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ, ये ऑक्सीकारक कहलाएगा, ठीक, ये ऑक्सीकारक है। बच्चों एक चीज और याद रखिए, बहुत सिंपल तरीके से, जो अपचायक होते हैं हमेशा ये अपने ऑक्सीकरण अंग के मान में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जबकि जो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं वो हमेशा अपने ऑक्सीकरण अंग के मान में क्या करते हैं, कमी करते हैं। मतलब अपचायक पदार्थ में ऑक्सीकरण की क्रिया करने का गुण होता है, जबकि ऑक्सीकारक पदार्थ में हमेशा अपचयन करने, अपचयन की क्रिया करने का गुण होता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज रिडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण की क्रिया, अपचयन की क्रिया का अध्ययन किया, हमने अपचायक पदार्थ के बारे में जाना और हमने ऑक्सीकारक पदार्थ के बारे में भी जाना। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी आपसे अगले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि अब हम बहुत जल्दी जल्दी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।